विशेष टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिस टॉपिक का नाम है समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। आप जानते हैं कि एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि सुनने में एकदम समान दिखाई देंगे, एक ही चीज दिखाई देंगे, परंतु उनके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसा इस टॉपिक से एक प्रश्न आपके पेपर में बनता है, आता भी है, और जैसे कि आप जानते ही हैं कि पूरे किताब को तो आपके ब्लैक बोर्ड पर छाप नहीं सकते, परंतु जो महत्वपूर्ण है उस टॉपिक को लेकर के हम लोग उपस्थित हैं, उसमें से आशा, विश्वास, निष्ठा कर लीजिए, लगन कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए, शब्दों को छाट कर, परख कर, समझ करके कुछ ऐसा, कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को इस ब्लैक बोर्ड पे संकेतित किया गया है, और यह चीजें यदि प्रश्न यहाँ से उठता है तो एक नंबर का या दो नंबर का आपको परीक्षा में हेल्प होने वाली है। परंतु ध्यान रहे, ब्लैक बोर्ड पे छापने से, वीडियो के देखने से ही नंबर अंकित नहीं हो जाएगा, उसमें कंठस्थ करने का वाली बात होती है, ध्यान रखने की बात होती है। आज उस महत्वपूर्ण बिंदु को अवगत कराया है, और ये पेपर आप, मैं बार बार यही बात बोलता हूँ कि आप मॉडल पेपर और जो पुनरावृत्ति पेपर है उसको उठाइए, देखिए, और हिंदी जितना कठिन आसान समझते हैं उतनी आसान नहीं है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने वाले के लिए आसान है, न पढ़ने वाले के लिए हिंदी भी बहुत कठिन है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि पेपर के माध्यम से 8 लाख बच्चे जो है, 8 लाख बच्चे जो है हिंदी भाषा में ही फेल हुए, मातृभाषा में ही फेल हुए, और अपने स्टेट के। तो ऐसी नौबत न आए, और ऐसी आएगी भी नहीं, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, आपका मेहनत आपको सफल बनाएगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, लिखा है पालक पनीर। चूँकि मैं कक्षा पेड़ में इसको पढ़ा चुका हूँ, ये फोर्थ सेमेस्टर में भी लागू होता है, फोर्थ सेमेस्टर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, तो फोर्थ सेमेस्टर वाले भी इसको लेते हैं। तो समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द को देखेंगे आप लोग। अनिल माने होता है अग्नि, अनिल माने होता है वायु, तो आपको जोड़ा बनाकर कंफ्यूज कर जाएगा कि अनिल अनिल का सही जोड़ा कौन सा है, ठीक है। कभी कभी आप देखिएगा कि अनिल अनिल, अनिल अनिल का अर्थ ही होता है अनिल माने अग्नि होता है, अनिल माने होता है वायु, तो कभी कभी जोड़ा में वायु अग्नि देता है, कहीं अग्नि वायु देता है, तो जो पहला शब्द रहेगा उसके अर्थ से हमें क्या है प्रतीत होना है, क्योंकि दोनों पार्ट यही है, मगर क्रम देखना पड़ता है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। मैं तो सिर्फ सिंपल है, जब ये टॉपिक खत्म होगी तो मैं प्रश्न के साथ आपके साथ उपस्थित हूँगा, जिससे कैसे पेपर आएगा, कैसे उत्तर देना है, सारी विसंगतियाँ दूर कर देंगे। अंश 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 माने भाग होता है, अंश माने होता है संधान, अन्न माने अनाज, अन्य माने होता है दूसरा। कुछ जो लिखावट है, हो सकता है कि यूट्यूब पे जाने के बाद, वीडियो जाने के बाद, अपलोड होने के बाद अक्षर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं हर एक शब्द को पढ़ करके हर एक अर्थ को मैं बता देता हूँ। नहीं अक्षर में कठिनाई हो तो आवाज़ पे आप लोग जो है विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अणु, अनुमान होता है पर, अनुमान होता है पश्चात। असक्त, असक्त मान निर्बल, आसक्त मोहित, अच्छ धुरी, अच्छित माने आग। अब यहाँ पर अतल, अतुल, अतुल मान होता है गहरा, अतुल मान होता है जिसके समान दूसरा ना हो, अतुल माने जिसकी तुलना ना किया जा सके, या जिसके समान दूसरा कोई ना हो। अर्पण, अर्पण, अर्पण मान होता है बिना पत्ते का, अर्पण
लोग को याद होगा गेम जब खेल रहे थे तो इसमें यह प्रश्न कई बार पूछा गया था। आरती माने होता है दुख, आरती माने होता है पूजा का देव। कुल वंश, कुल वंश कुल किनारा। अवलंब सहारा, अविलंब, अविलंब माने तुरंत, विलंब जिसका ना किया जा सके, अविलंब मतलब तुरंत शीघ्र। अली, अली माने जाते हैं भ्रमर, अली माने होता है सखी। अब यहां से देखेंगे अजर, अजर माने देवता, अजी माने होता है आंगन। यहां असित, असित माने होता है काला, असित का मतलब सित माने होता है श्वेत, अ माने नहीं, जो श्वेत नहीं अर्थात काला, ठीक है। इस तरह से हिंदी में अर्थ निकाला जाता है, सित माने होता है श्वेत और असित माने जो श्वेत न हो अर्थात काला, ठीक है। असित माने खाया हुआ। आकर, आकार, आकर माने होता है स्थान, आकर माने होता है स्थान, आकार माने होता है आकृति बनावट, या आकृति के हम बनावट भी लिख सकता है, ठीक है। आज माने प्रारंभ, आज माने अभ्यास जारी। आहुत माने बुलाया है, आहुति यज्ञ के डाले जाने वाली सामग्री, आहुति जो हम अपनी सामग्री पूजा पाठ करते हैं आहुति डालते हैं, तो ये सामग्री आहुति का आहुत माने होता है, आहुत का अर्थ बुलाया गया। यहाँ कली, 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 तो कली माने होता है कलियुग, इस कलियुग से तात्पर्य है, और कली माने होता है अधिक्रिया पुष्प, लेकिन एक कली है पूरा खिला हुआ नहीं, ठीक है। केसर, केसर, केसर माने होता है शेर के गर्दन का बाल होता है, केसर माने लिखेगा, केसर माने शेर के गर्दन की बाल, और केसर में शेर को भी बोला जाता है, तो केसर माने होता है कुमकुम, ठीक है। आई केसर का जो अर्थ होता है जानते हैं, या अपना एक पदार्थ होता है, एक वस्तु होती है जो केसर का जो है कि विटामिन दार होते हैं जो प्रयोग किया जाता है खाते पीने का काम करते हैं, ये भी इसका अर्थ होता है। यहाँ गुरु, गुरु, गुरु माने होता है उपाय, गुरु माने होता है शिक्षक। यहाँ पर दिया है दीन और होता है दीन, दीन का मतलब होता है दीन कृत, दीन, दीन और दीन माने होता है दुखी। अब देखिए कई बार ये भी पूछा गया था टॉपिक में कि दीप और दीप का अर्थ क्या होता है, यह सेकंड सेमेस्टर में पिछले बार एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। दीप माने हाथी और दीप माने होता है चाप, फिर प्रकृति, प्रकृति माने पदार्थ और प्रकृति माने होता है स्वभाव, दो चीजें हैं, भीत डरा हुआ और भीति दीवार, ठीक है। कृति, कृति माने होता है रचना और प्रीति माने होता है परिश्रमी, ठीक है। प्रीति और प्रीति दोनों में अंतर है, बस जैसे कि टॉपिक आपका समान शब्द वाले हैं और भिन्नार्थक अर्थ है। फिर यहाँ कुट, कुट माने घर होता है और कुट माने पर्वत होता है। फिर गिरी और गिरी देखने में समान पड़ रहे हैं, अर्थ क्या है अलग अलग है, गिरी का मतलब होता है पर्वत और गिरी माने होता है गिरना, ठीक है। आज का यही आपका टॉपिक है और इसे मैंने फोर्थ सेमेस्टर से दिया है, ये टॉपिक है, तो यह